अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस ने आज फरीदाबाद में रिबन काटकर 33वें सूरज कुंड मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने उद्घाटन के बाद चौपाल की कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठाया। इसके बाद सूरज कुंड मेला 1 से 17 फरवरी तक चलेगा। उम्मीद की जा रही है पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में दर्शक इस मेले का आनंद लेंगे। इस बार थीम स्टेट महाराष्ट्र और कंट्री पार्टनर के रूप में थाईलैंड शिरकत कर रहा है। मेले में पहली बार 31 देश भाग ले रहे हैं, जबकि भारत के लगभग 1000 हस्तशिल्पी और कलाकार अपनी कला के जोहर दिखाएंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज लोकसभा में पेश किए गए बजट की भी सराहना करते हुए कहा, आज पेश किया गया बजट आम लोगों के साथ साथ किसानों के लिए भी काफी कुछ लेकर आया है। ये भारत के किसानों को, भारत के मजदूरों को, भारत की महिलाओं को और भारत के मध्यम वर्ग को बहुत ही बड़ा तोहफा इस बजट के माध्यम से उन्होंने दिया है। जिस प्रकार से हमारे किसानों को 2 हेक्टर तक के जो छोटे किसान हैं 6000 रुपया सालाना देने का निर्णय हो, हमारे जो मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्र से हैं इनको 3000 रुपये पेंशन देने का विषय हो, हमारी महिलाओं को प्रसूति रजा देने का जो एक छुट्टी देने का जो निर्णय हो, या इसके साथ साथ सबसे बड़ा मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे मध्यम वर्ग के लिए 5 लाख तक इनकम टैक्स की मियाद को बढ़ाने का निर्णय हो, ये सारे बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिस प्रकार से निवेश किया जा रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में आज 3 लाख करोड़ से ज़्यादा डिफेंस का बजट ये देश के इतिहास में पहली बार बनाया गया है। एक सशक्त राष्ट्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक स्टेट्समैन होते हैं वो केवल एक साल की बात नहीं करते, और मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट ने 2030 का भारत कैसा होगा इसकी भी परिकल्पना हमारे सामने रखी है। मैं ऐसा मानता हूँ आज एक ऐतिहासिक दिवस है। मैं आदरणीय मोदी जी का और पीयूष गोयल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। देखिए आज का आयोजन सूरज कुंड का 33वां अंतर्राष्ट्रीय मेला हुआ है। इस मेले में हमारे स्टेट पार्टनर इस नाते से महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी उपस्थित हुए हैं, और इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से देशों की इसमें भागीदारी रही है। और मैं इन सब का आज के इस मेले पर आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो मेला हमारा लगातार 1986 से चल रहा है, देश और दुनिया के बहुत से ऐसे क्राफ्ट्समैन, बहुत से कलाकार, बहुत से सांस्कृतिक प्रदर्शन करने वाले, ऐसे प्रदर्शन करने वाले सब लोग ये आते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो अवधारणा है उसको मजबूत करते हैं, वसुधा कुटुंबकम की जो धारणा है उसको मजबूत करते हैं। इस प्रकार के मेले 17 तारीख तक इसके अंदर आएंगे और होगा। सब आप सभी का मेले की शुरुआत और इसकी शुरुआत के साथ ही अभी छठा दिन यहाँ पर देखने की योजना बन रही है। उसमें आप सब बजट के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, बजट के ऊपर सर क्या बताएंगे, बजट आएगा आज देश का जो अगले वर्ष का बजट जो पेश किया गया है लोकसभा के अंदर। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत से विषयों के ऊपर जो उन्होंने निर्णय लिए हैं जनहित में, चाहे वो महिलाओं के हित में है, किसानों के हित में है, असंगठित मजदूरों के हित में है, सब वर्गों जो एक आयकर की जो सीमा है उसको बढ़ा करके जो 5 लाख रुपया कर दी गई है, 5 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है, इसके सबके लिए जो जनहितकारी बजट है, वास्तव में अभूतपूर्व एक बजट प्रस्तुत किया गया है, देश का एक इतिहास बना है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, माननीय मिनिस्टर का, सबका बहुत बहुत आभार। सीएम महाराष्ट्र क्या लोकसभा के साथ चुनाव हो सकते हैं आपके विधानसभा के? जी महाराष्ट्र के चुनाव अपने समय पर पीछे लोकसभा के साथ। फरीदाबाद के सूरज कुंड से ब्यूरो रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।